हेलो एवरीवन, वी विल डू दी सिंप्लीफिकेशन ऑफ दी सीएफजी टुडे। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। आज हम लोग दो स्टेप्स देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी में। एक हम नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव करेंगे अपने ग्रामर से, और एक हम नॉन रीचेबल सिंबल को रिमूव करेंगे। सो लेट मी राइट इट हियर। सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे नॉन जनरेटिंग सिंबल को। सो नॉन जनरेटिंग सिंबल का ये मीनिंग है कि अगर कोई नॉन टर्मिनल सिंबल अगर हमें टर्मिनल सिंबल जनरेट करता है तो उसको हम जनरेटिंग सिंबल कहेंगे, और अगर वो टर्मिनल सिंबल जनरेट नहीं कर पाता है तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन जनरेटिंग सिंबल है, और उसको हम अपने ग्रामर से रिमूव कर देंगे। सेकेंड हम क्या करेंगे कि नॉन रीचेबल सिंबल को रिमूव करेंगे। सो हमारा ग्रामर का कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट स्टेट के थ्रू ही पहुंचते हैं हम उस प्रोडक्शन पे, या फिर डिराइवेशन के दौरान हम स्टार्ट अपना स्टार्ट सिंबल से करते हैं, देन उस सिंबल किसी हम प्रोडक्शन पे पहुंचते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि ऐसा सिंबल जहां पे हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे ऐसे सिंबल को हम रिमूव कर देंगे। सो आइए सबसे पहले हम लोग नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो स्टेप वन हमारा ये कहता है कि हम ऐसे सभी सिंबल्स जो कि नॉन जनरेटिंग हैं या टर्मिनल सिंबल्स को जनरेट नहीं करते हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले एस से एक डेराइवेशन करते हैं। एस से हमें ए बी ए लेट से हमें मिलता है। इसमें ए और बी, कैपिटल ए और बी हमारे नॉन टर्मिनल सिंबल है और स्मॉल ए टर्मिनल सिंबल है। हम किसी प्रोडक्शन ए के किसी प्रोडक्शन से हम लेट से स्मॉल ए ले आते हैं। ये हमारा ये वाला प्रोडक्शन है, ए प्रोड्यूसर से ए से, और बी से लेट से हम लेके आते हैं स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल सी। इसका मतलब है कि बी से भी हम टर्मिनल सिंबल पे पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एस से टर्मिनल सिंबल पे पहुंच सकते हैं, ए से भी टर्मिनल सिंबल पहुंच सकते हैं, और बी से भी हम टर्मिनल सिंबल पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एस ए बी हमारे जनरेटिंग सिंबल्स हैं। दीज आर जनरेटिंग सिंबल्स। आइए अब क्या करते हैं कि स्टेप नंबर टू में, ये हमने स्टेप नंबर वन परफॉर्म किया है। स्टेप नंबर टू में ये जो नेक्स्ट सिंबल हमारा है ए, ऐसे भी तो हमने देख लिया। आप सी की बात करते हैं तो सी से जब अगर हम देखेंगे तो सी से सी और ए जनरेट होता है, दोनों नॉन टर्मिनल है। फर्दर हम सी से केवल सी ए ही जनरेट कर सकते हैं, और अगर हम ए से स्मॉल ए लेके आएंगे दैट इज फाइन, बट सी को अगर आप फर्दर भी एक्सपेंड करना चाहेंगे तो एक ही तरीका है कि आप इसको सी प्रोड्यूसर सी ए से ही रिड्यूस करें। इसका मतलब है कि सी से आप कभी भी टर्मिनल सिंबल पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम ये कहेंगे कि सी इज नॉन जनरेटिंग, सी इज नॉन जनरेटिंग, और सी से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्शन या सी इन्वॉल्व होने वाले सारे प्रोडक्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कि हमें किन किन प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना है। सबसे पहला प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस बी सी, इसको हमें एलिमिनेट कर देना है। इसके बाद फिर ए प्रोड्यूसेस ए सी है, इसको भी हमें एलिमिनेट कर देना है, और एस प्रोड्यूसेस सॉरी सी प्रोड्यूसेस ए सी, हमें इसको भी एलिमिनेट करना है। सी प्रोड्यूसेस सी ए, इसको भी हमें एलिमिनेट करना है। तो तीन प्रोडक्शन हमारे डिलीट हो गए। ये वाला प्रोडक्शन हमारा चला गया, सी प्रोड्यूसेस सी ए वाला प्रोडक्शन हमारा चला गया, और ए प्रोड्यूसेस ए सी वाला भी हमारा प्रोडक्शन चला गया। इसके बाद जो रिजल्टेंट ग्रामर है हम चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। Now the resultant grammar now is S produces A, B, A, B produces small b, small c, and then D produces E, then A produces B, small e, and A, and E produces E. So this is the production in the hand as of now. अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने जिन सिंबल्स की बात की वो एस ए बी की बात की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डी और ई नॉन टर्मिनल सिंबल की। इसको स्टेप थ्री में हम कर लेते हैं, और डी से हम ई लाते हैं, और आपको पता है कि ई से हम ई ला सकते हैं, प्रोडक्शंस में गिवन है ये प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन। तो चूंकि डी से हम ई ला रहे हैं और ई से ई ला रहे हैं, अगर हम इसका एक्सपेंशन ऐसे करें तो डी से ई एंड देन ई से ई, तो इसका मतलब है कि हम डी से भी टर्मिनल सिंबल ई पे पहुंच जा रहे हैं
और ई से भी टर्मिनल सिंबल ई पे पहुंच जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि डी एंड ई आर जनरेटिंग सिंबल्स, डी एंड ई आर जनरेटिंग सिंबल। सो अभी हमने जितने भी सिंबल्स हमारे पास थे उन सभी के बारे में ये तो देख लिया कि जनरेटिंग सिंबल्स कौन से हैं और नॉन जनरेटिंग कौन से हैं। यहाँ पे केवल नॉन जनरेटिंग हमें एक सिंबल मिला एंड दैट इज सी। फाइन, अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि डिराइवेशन के दौरान कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जिन पे हम कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, उनको हम कहेंगे नॉन रीचेबल। फाइन, सो एस से हम डिराइवेशन स्टार्ट करते हैं। सो एस से हमारा डिराइवेशन है ए बी ए, और ए से आपके पास दो प्रोडक्शंस मिलते हैं, या तो बी ई ई या तो टर्मिनल सिंबल ए भी आप रख सकते हैं यहाँ पे। जो बी है उससे हम कहाँ क्या एक्सपेंशन कर सकते हैं, बी से केवल एक टाइप का एक्सपेंशन पॉसिबल है, दैट इज बी सी सी। और इसी तरह से इस बी से भी वही एक्सपेंशन पॉसिबल है, बी सी सी। और इसके अलावा कोई एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं, सिंपली ये है कि ए ए से हम स्मॉल ए रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिंबल्स डी और ई हैं या जो नॉन टर्मिनल्स ए डी और ई हैं, इन पे आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप इन पे नहीं पहुंच पाएंगे तो इनको आप कहेंगे कि दीज आर नॉन रीचेबल सिंबल्स, और सिंस दीज आर नॉन रीचेबल सिंबल इसलिए हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। सो इनको भी एलिमिनेट करेंगे और इनसे स्टार्ट होने वाले जितने प्रोडक्शंस हैं हम उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। सो हमने डी प्रोड्यूसेस ई को एलिमिनेट कर दिया और ई प्रोड्यूसेस ई को भी एलिमिनेट कर दिया। जो रिजल्टेंट हमारे पास ग्रामर बचा, सो दैट इज एस प्रोड्यूसेस ए बी ए, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी स्मॉल सी एंड ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी स्मॉल ई और ए। सो दिस इज दी सिंप्लीफाइड ग्रामर। सो वी हैव डन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सी एफ जी बाई फर्स्ट नॉट रिमूविंग द नॉन जनरेटिंग सिंबल्स एंड देन रिमूविंग द नॉन रीचेबल सिंबल्स। सो वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।